स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को जो आपका द लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरीज में जो चैप्टर चल रहा था वो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई का विक्रेता जो है वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये अपनी मिठाइयों के नाम ले रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ हिज एंट्रेंस, मतलब जो मेले का प्रवेश द्वार था उसी के कोने पर इसने अपनी दुकान लगाई हुई थी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड इस काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और अनेक रंग बिरंगी मिठाइयों की जो अनेक रंग बिरंगी और अनेक विभिन्न प्रकार की आकृतियों वाली मिठाइयाँ जो है उसके काउंटर पर लगी हुई थी, और उसके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ उमड़ रही थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो वो मिठाइयाँ थी वो चांदी और सोने के पत्थरों से सजी हुई थी। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर चांदी या सोने के पत्थर लगे होते हैं, बर्फ़ी वगैरह पे आपने देखा होगा। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वॉट इज फेवरेट स्वीट, जो बच्चा था वो खुली आंखों से घूर रहा था मिठाइयों को, और उसका मुंह जो है बर्फ़ी के लिए उसके मुंह में पानी भराया क्योंकि बर्फ़ी उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा। बट ही हाफ नो एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, किंतु वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूलों का विक्रेता बोल रहा था, चिल्ला रहा था, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन बाय द इम्प्लीकेबल स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ द लैंग्वेज एयर, वो बच्चा जो है वो एकदम जो है नम हवा के पंखों पर तैरती हुई जो उन फूलों की जो सुगंध थी उस सुगंध की ओर वो मतलब आवश्यक रूप से आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स वर हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वह टोकरी की ओर गया जहाँ पर वो फूल इकट्ठा थे, और उसने धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था कि उसके माता पिता उस इन फूलों को लेने खरीदने से मना कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो फिर से आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक जो है आदमी वो बांस या लकड़ी पर एक पीले लाल हरे बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ते हुए गुब्बारों को लेकर खड़ा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज पोसेस बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, वो जो बच्चा था वो साधारणतया साधारण रूप से बच्चों को गुब्बारे पसंद होते हैं, इसलिए साधारणतया वो इंद्रधनुषी रंगों वाले उन इंद्रधनुषी आभा वाले उन रेशमी रंगों वाले गुब्बारों की आकर्षण में से उस ओर गया, और वो बड़ी ही आसानी से उन सभी को लेने की उसके अंदर तीव्र इच्छा जागृत हो गई, बालपन वाली तीव्र इच्छा जागृत हो गई। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, किंतु अच्छी तरह जानता था उसके माता पिता जो है उसे गुब्बारे उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि वे उससे कहेंगे कि वह इस प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए काफ़ी बड़ा हो गया है। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ गया। अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच क्वाइट इट सेल्फ इन अ बास्केट, एक जो है सपेरा